राजस्थान विधानसभा चुनाव में क्या होगा, इस बात को सिर्फ दो ही नेता जानते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव की चाबी सिर्फ दो ही नेताओं के पास है। एक सर्वे सामने आया है, उस सर्वे में ये इस बात का जिक्र किया गया है। अब देखने की बात है कि वाकई में ऐसा है। इस बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सीनियर एंकर चेतना शर्मा जी। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, जब से ये सर्वे सामने आया है तब से इस बात से पूरे राजस्थान की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि ऐसा क्या है, कौन से दो नेता है जिनकी वजह से, जिनके हाथ में है पूरे राजस्थान की राजनीति की चाबी, क्या है पूरा माजरा। देखिए, इन दोनों नेताओं का मैं नाम लेके सस्पेंस को खत्म करना चाहूंगी। प्रीति, ये दोनों नेता हैं, बीजेपी में तो है वसुंधरा राजे, कांग्रेस में है सचिन पायलट, और ये दोनों काफी गेम चेंजर माने जा रहे हैं। और अगर आप सर्वे की बात करें तो इस बार सर्वे का गेम तो इतना ज्यादा चल रहा है कि हर कोई, पहले तो कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन अब हर कोई इसी सर्वे के आधार पर अपनी रिपोर्ट कार्ड तैयार करना चाह रहा है। और हाल ही में जिस सर्वे की आप बात कर रही हैं उसके अगर रिजल्ट की हम बात करें उसके, तो काफी चौंकाने वाले दिखाई दे रहे हैं। और इस सर्वे के अगर आप आंकड़े देखेंगे, जो अभी हम आपसे डिस्कस भी करेंगे इस वीडियो में, इसलिए तो आप इनको ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आपने तराजू में कोई चीज तोली है तो ये पलड़ा बराबर आ चुका है, ना कोई भारी है ना कोई हल्का है। और अब इस बराबरी वाले मामले में जो गेम चेंजर बनेंगे, जो तीसरे मोर्चे, अगर हम गेम चेंजर की बात करें तो तीसरा मोर्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। राजस्थान की राजनीति में तीन चेहरे हैं जी, बिल्कुल, वो बहुत अहम रोल निभाने वाले हैं। टू पार्टी स्टेट माना जाता था राजस्थान, लेकिन 2023 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है ना, उसके अंदर काफी सारे समीकरण बदलेंगे। हो सकता है राजस्थान के जो इतिहास रहा है चुनावों का, पार्टियों के रिपीटेशन का, इस बार बहुत सारे नए रिकॉर्ड्स बन सकते हैं, पुराने रिकॉर्ड्स टूट सकते हैं, और कुछ नए समीकरण बनने का भी एक अलग ही नया रिकॉर्ड सुनाई देने को मिल रहा है। अगर हम सर्वे की अगर हम खुलकर चर्चा करें यहाँ पर, तो बराबरी का मामला यहाँ पर देखने को मिला है। अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी को भी कम से कम 97 से लेके 101 तक की सीटें मिल रही हैं, और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को भी लगभग इतनी ही सीटें मिल रही हैं। 91 से लेके 101 तक कांग्रेस को मिल रही है, और जैसा कि मैम ने जिक्र किया 95 से 105 तक वो बीजेपी को मिल रही है। तो बिल्कुल 36 का आंकड़ा हो गया है। डिफरेंस देखिए, सिर्फ 3% का दोनों के अंदर डिफरेंस है, तो कितने कांटे की टक्कर है वो यहाँ पर नजर आ रही है दोनों ही पार्टियों जी। 3% भी नहीं, मैं तो आप इसको ही मान लीजिए, कंपटीशन है वो बहुत ही जबरदस्त है। 36 का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये जो 0.0% ही यहाँ पर जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना आपको, वो जो डिफरेंस है वो कवर करेगा तीसरा मोर्चा। और तीसरे मोर्चे की अगर हम बात करें राजस्थान के संदर्भ में, तो यहाँ पर हनुमान बेनीवाल के अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा जो बहुत ही सशक्त हो, मजबूत हो, और जिन्हें पार्टी में मिलाकर सत्ता आपको मिल सके। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर यह है कि हनुमान बेनीवाल तो पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं कि वो ना तो बीजेपी में जाएंगे ना कांग्रेस में जाएंगे। तो सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जब यहाँ कांटे की टक्कर इतनी तरीके से देखी जा रही है, इतनी जबरदस्त देखी जा रही है, तो हनुमान बेनीवाल किसका साथ देंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस साइड अब हनुमान बेनीवाल होने वाले हैं ना, उस पार्टी की जीत तय है जी, उस पार्टी की जीत तय है, क्योंकि दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर है वो यहाँ पर नजर आ रही है। और हनुमान बेनीवाल अगर उनके समर्थन में आते हैं तो जो जातिगत वोट बैंक है हनुमान बेनीवाल के पास, जो जाटों का वोट बैंक है, वो अगर कांग्रेस साधने का प्रयास करती है, हनुमान बेनीवाल को मनाने का प्रयास करती है, तो इस बार कांग्रेस यहाँ जी बिल्कुल, ये आपने सही कहा प्रीति, क्योंकि बीजेपी में तो हनुमान बेनीवाल अब जाएंगे नहीं, क्योंकि ज्योति मिर्धा के कारण उन्होंने काफी दूरियां बना ली है बीजेपी से। कांग्रेस के पास भी इस बार सरकार रिपीट करने का, अगर हम सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, उस पर विश्वास कर लेते हैं, तो इनके पास पूरा मौका है। और राजस्थान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि अशोक गहलोत की सरकार रिपीट हुई हो, या फिर जो सत्ता में रह चुकी हो वो सरकार दोबारा से बन जाए। तो अगर इन समीकरणों पर हम विश्वास कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो ये नए समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, वो काफी दिलचस्प है। अगर कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल को मना लिया, अगर कांग्रेस
कांग्रेस से तो मान सकते हैं हनुमान बेनीवाल, लेकिन अगर बीजेपी कितनी भी कोशिशें कर ले, बीजेपी से हनुमान बेनीवाल कभी नहीं मानने वाले, क्योंकि ज्योति मिर्धा पहले से वहां मौजूद है और ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल का इन दिनों 36 का आंकड़ा है वो देखने जी को बिल्कुल मिल रहा और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लिए एक तरफ तो खुशी है कि उनको काफी अच्छी सीटें मिल रही हैं, दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल भी यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है कि जो ये 0.0% कवर करना होगा उन्हें, तीसरे मोर्चे का साथ लेना होगा, तो वो कौन देगा? उसके लिए बीजेपी को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी और इसमें वसुंधरा राजे और सचिन पायलट दोनों अपना गेम चेंजर का जो प्लान है जो सक्सेसफुल कैसे बनेगा वो देखने लायक होगा, क्योंकि वसुंधरा राजे की जो भूमिका है बीजेपी में आप उसे नकार नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम राजस्थान के सिनेरियो की बात करें, राजस्थान की सियासत की बात करें, तो अभी कुछ ही दिनों पहले आपने देखा था कि राष्ट्रीय नेतृत्व को जयपुर आकर बैठकें लेनी पड़ी थी, दो दिन तक बैठकों का दौर आधी आधी रात तक चला था, उसके बाद जो फैसले आए बाहर तो कहीं ना कहीं लग गया था कि हाँ वसुंधरा राजे से अब सुलह होती भी दिखाई दे रही है आलाकमानों की, लेकिन अगर वसुंधरा राजे को आप इतर रख दें बीजेपी से तो मुश्किलें खड़ी हो सकती है बीजेपी के लिए। मुश्किलें बहुत खड़ी हो सकती है, क्योंकि वसुंधरा राजे के जो समर्थक है, वसुंधरा राजे के पास जो विधायक है, अगर वो बगावत पे आ गए तो कांग्रेस का क्या होगा फिर वाकई में, क्योंकि जो अगर वहां से ये जो वसुंधरा राजे के जो समर्थक है वो अगर बगावत पर आ जाते हैं कांग्रेस बीजेपी के, तो उनको नुकसान है, और ऐसा ही कांग्रेस के अंदर है, तो दोनों ही पार्टियों के सेम हालात है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो अगर कांग्रेस हनुमान बेनीवाल से समर्थन लेती है, अगर हनुमान बेनीवाल को मनाने के अंदर कांग्रेस कामयाब होती है, तो इस बार जो 20 साल की जो परिपाटी है उसको बदलने के अंदर कांग्रेस हाँ सफल हो पाएगी। लेकिन प्रीति यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हम कांग्रेस में बात करें तो वहां सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल के बीच में भी अब दूरियां आ चुकी है, जैसा कि सभी जानते हैं कि बेनीवाल ने उनको खुला ऑफर दिया था आरएलपी ज्वाइन करने का जब अंतर्कलह और गुटबाजी चल रही थी कांग्रेस में, लेकिन सचिन पायलट ने अपनी वफादारी दिखाई, ईमानदारी दिखाई अपनी पार्टी के प्रति और इस ऑफर को ठुकरा दिया था। उसके बाद हनुमान बेनीवाल भी बौखलाए हुए हैं सचिन पायलट से, और इनके प्रति जो बयानबाजी है वो काफी खुलकर भी सामने आई थी, उनकी बौखलाहट भी सामने आई थी। लेकिन तो यहाँ पर ये वाला जो अभी आप कह रही हैं कि कांग्रेस उन्हें मनाने की कोशिश कर ले और वो अपना साथ दे दे, तो ये भी कोई आसान काम नहीं होगा, इसके लिए भी कांग्रेस को बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने होंगे सचिन पायलट के होते हुए, जस्ट लाइक बीजेपी में ज्योति मिर्धा के होते हुए बेनीवाल उनको नहीं सपोर्ट दे सकते, तो क्या यहाँ पर सचिन पायलट के होते हुए बेनीवाल उनको समर्थन देंगे या नहीं, यहाँ पर भी बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। और इन सारे सवालों के जवाब ना राजस्थान की राजनीति की जो सियासत चल रही है उसी से निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि यहाँ पर नित नए फैसले हो रहे हैं, नित नई घोषणाएं हो रही हैं, नित नए सर्वे हो रहे हैं, और कांग्रेस ने भी सर्वे कराने में तो रिकॉर्ड ही कर लिया और है। इस सर्वे के अंदर तो मैम एक चीज ये सामने आ रही है कि अशोक गहलोत फ्रंट फुट पे नजर आ रहे हैं, अशोक गहलोत के फॉलोवर्स है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे एक बात ये सामने आ रही है कि अगर सचिन पायलट के समर्थक यहाँ पे नाराज हो जाते हैं तो कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान है वो यहाँ पर उठाना पड़ेगा। और आलाकमान से ये बात भी कही गई है कि सचिन पायलट को थोड़ा ठहरना होगा, चीजों को समझना होगा, और अशोक गहलोत को भी समझना होगा, दोनों को मिलकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। अगर दोनों मिलकर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो इस बार कांग्रेस की हार तय है राजस्थान के। और देखिए वसुंधरा राजे और सचिन पायलट अपनी पार्टी के लिए संकट मोचन बनेंगे या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हनुमान बेनीवाल संकट मोचन बनके किसका समर्थन करेंगे ये सवाल बहुत बड़ा है। और राजस्थान की राजनीति में जो उथल पुथल मचा रखी है इन सवालों ने उसके जवाब भी अब कुछ ही समय में मिलने वाले हैं, क्योंकि चुनाव अब बिल्कुल सर पर आ चुके हैं और ऐन वक्त पर ऐसे सवालों का राजनीतिक गलियारों में उठना ये इस ओर इशारा करता है कि राजस्थान की राजनीति के, राजस्थान की सियासत के समीकरण अब बदलने वाले हैं और 2023 का चुनाव अपने आप में एक रिकॉर्ड बनेगा ये भी तय है। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा अपनी राय। क्या आपकी राय भी हमसे सहमत है, क्या आप भी हमारी ही तरह सोच रहे हैं, या फिर इससे कुछ अलग है आपकी राय, तो भी लिख डालिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हमें हमारी जनता की राय जाननी है और आपकी राय हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आप ही को पता है। तो कैसा लगा वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में, इसी तरह के और वीडियोज के लिए देखना ना भूलिएगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है टीवी पर आपको कितनों ने देखा ये कैसे पता चलेगा?
घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।